We are here at Ambedkar Nagar in Mumbai, and it's a community of around 5 lakhs or more than 5 lakhs people. And I'm here with our young leaders from Mumbai who are on their way to Russia. They'll be leaving Mumbai on 23rd. And there are a lot of exciting things that they will be experiencing. I have with me Poonam, and Poonam is a young leader from Oscar. Let's find out more about her. Hello, Poonam. Poonam, you have been living in Ambedkar Nagar for how long? आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? अच्छा, और आप आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? मॉम डैड माय मेजर सिस्टर्स ओके, सो पूनम लिव्स विद हर टू सिस्टर्स, हर मदर एंड हर फादर. आपके मॉम और डैड क्या करते हैं? डैड जॉब करते हैं और मदर हाउस वाइफ. ओके, पूनम्स मदर इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ होम मेकर एंड फादर वर्क्स. वेयर डज ही वर्क? कहाँ पे काम करते हैं? नेवी ओ, ही वर्क्स इन इन द डॉकयार्ड. ओके नहीं नहीं नेवी लाइन गेट. ओके, ही वर्क्स एट लाइन गेट फॉर द इंडियन नेवी. ऑलराइट, सो पूनम, आप रशिया जाने के लिए एक्साइटेड हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर? अच्छा लग रहा है बिकॉज आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, काफी सारी चीजें नई होगी तो कुछ सीखना है. लाइक अच्छा लगेगा वहाँ पे, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाके नई कंट्री देखते, वहाँ के लोगों को देखते कैसे रहते, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लेते. हमने सिर्फ टीवी में देखा है बट कुछ लाइव देखने मजा आएगा इतना. और फीफा वर्ल्ड कप हो रहा तो काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इतने बड़े मैच खेले जा रही हूँ. पूनम, यू आर ऑल्सो यंग लीडर एट ऑस्कर. कैन यू टेल अस अबाउट योर वर्क एज अ यंग लीडर? सो मैं कोचिंग करती हूँ गर्ल्स टीम को, पहले एक टीम थी उसके बाद दो टीम को कोचिंग किया ट्यूसडे और संडे. और अभी शायद सुनने में आ रहा है कि और सारी कोचिंग करने के लिए मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को सिखा के. राइट, पूनम, आपने काफ़ी बच्चों को यहाँ पे इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है. आप उनके बारे उन बच्चों के बारे में बता सकते हैं? हाँ सर, इससे बच्चे स्टडी कर देते हैं और उनके पेरेंट्स कभी खास करके लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, और बॉयज़ को भी बोलते हैं पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, दिन भर खेलने से कुछ फ़ायदा नहीं है. तो पहले ऐसा था कि लोग सपोर्ट नहीं करते थे खेलने के लिए मुझे भी, और बोलते थे मम्मी को कि कहाँ भेज रहे हो, टाइम वेस्ट है, घर का काम सिखाओ और पढ़ाओ लिखाओ, शादी करके काम हटा दो. पर मम्मी ने कभी उनकी बातें नहीं सुनी, डैडी मम्मी दोनों सपोर्ट करते थे हमेशा. और एक दिन ऐसा आ जाया कि वो लोग मेरे घर तक आते, मुझे फोर्स करते कि मेरे बच्चों को लेकर जाओ सिखाओ. खास करके गर्ल्स कम से कम 15 मैंने जमा किया है सिखाने के लिए, और मुझे वो हमेशा पूछते रास्ते में टोकते थे कब लेके जा रहे हैं, उनके फैमिली तक बोलते कब लेके जा रहे हैं. तो आपका एस्पिरेशन क्या है? आप क्या करना चाहते हो? मैंने सुना है आप स्पोर्ट्स वुमेन बनना चाहते हो, क्यों? सर क्योंकि मैंने देखा स्पोर्ट्स की जगह लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हो जाती है और फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते पर्सन, तो मुझे वही सब करना कि जैसा आज मैं खुद हूँ वैसा मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ, और अच्छा प्लेयर बनना है क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा लगता है खेल के फुटबॉल. फ्रेंड्स के साथ उतना अच्छा नहीं लगता जितना फुटबॉल के साथ अच्छा लगता है. ज़्यादा टाइम मैं ग्राउंड पर ही रहती हूँ तो मुझे ऐसे ही वो मेरा पैसन बन चुका है, तो मैं कुछ मुझे कुछ ना कुछ करना है, फुटबॉल कुछ बड़ा करना है. मैंने सुना है कि आप मेसी के भी फैन हो, अगर मेसी आपको दृश्य में मिल गए तो आप क्या करोगे? सर मैं डायरेक्ट जब मार दूंगी तो वही सर ऑटोग्राफ दे दूँ अच्छा वाला, जो कभी ना मिटे. सर फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है, खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट खेलने नहीं आता पर उसकी इन्फॉर्मेशन है, फुटबॉल खेलने भी आता उसकी इन्फॉर्मेशन भी है, तो फुटबॉल ज़्यादा पसंद है. ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच पूनम. सो वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट यंग लीडर, एंड दैट्स अक्षय. हेलो अक्षय, हाउ आर यू? अक्षय, टेल अस व्हाट यू हैव बीन डूइंग एट ऑस्कर. आप ऑस्कर में क्या करते हो, आप बताइए. लास्ट लास्ट 4 3 ईयर से मैं ऑस्कर में कोचिंग कर रहा हूँ एज एज ए यंग लीडर. आई टीच स्टूडेंट 35 इन एट सैटरडे एंड 35 एट संडे, टोटली आई टीच 17 स्टूडेंट. अक्षय, आप
आपने बताया कि आप ऑस्कर के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो कम्युनिटी हाँ, में, तो क्या क्या है वो ड्रीम आपका? मेरा ड्रीम ये है कि मतलब मैं भी जब बच्चा था, अभी जो और मैं जब भी मैं अपने बच्चे को कोचिंग करता हूँ, उससे वो खेलने हम लोग स्ट्रीट पे जाते हैं, रोड पे। वी डोंट हैव अ प्रॉपर ग्राउंड, वी हैव अ ओल्ड ग्राउंड, बट ओल्ड ग्राउंड में मतलब बहुत डेंजरस प्लेस है वैसे भी। वहाँ पर क्रिकेट मैच चलता है सीजन बॉल से, तो लगने की चिंता होती है, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ओल्ड में ही, फिर हमारे पास ग्राउंड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऑस्कर के साथ, ऑस्कर के साथ जुड़ा रहूँ, और ऑस्कर एक ग्राउंड ऐसा एक ग्राउंड मेक करे जो हमारे बच्चों के लिए ओनली फॉर ऑस्कर किड्स, दे कैन कम एनी एनी डे एनी टाइम, दे कैन प्ले फुटबॉल, दैट दे विल इंक्रीज देयर पोटेंशियल ऑफ गेम गेम लेवल। ओके, व्हाट आर यू एक्साइटेड द मोस्ट अबाउट द रशिया टूर, किस बारे में? आई एक्साइटेड दैट आई ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री फर्स्ट टाइम। मुझे पता ही नहीं था कि मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ रशिया जाऊंगा या फिर कुछ। मुझे लगा था मुंबई में पैदा हूँ, मुंबई में मर जाऊँगा ऐसा लगा था मुझे। बट मुझे जब मालूम पड़ा कि मैं रशिया के लिए सेलेक्ट हुआ, दैट टाइम मैं बता ही नहीं सकता वो क्या क्या फील हुई थी मुझे। फिर मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि जब मुझे मालूम पड़ा है, हमारे सर लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग 1 जुलाई को मैच देखने वाले, क्वालिफायर मैच ऑफ रशिया वर्ल्ड कप। एंड मैं चाहता हूँ कि वो मैच ब्राज़ील का हो, और ब्राज़ील क्वालिफाई करे रशिया वर्ल्ड कप के लिए। और आई वॉन्ट टू सी नेमार, आई एम बिग फैन ऑफ नेमार। ओह ग्रेट, ऑल राइट, वी होप दैट यू गेट टू सी नेमार एंड योर प्रेडिक्शन ऑफ ब्राज़ील क्वालिफाइंग इन दैट मैच कम्स ट्रू। या थैंक्स अक्षय। ऑल राइट, वी ऑल्सो हैव लालू विद अस। लालू, आप ये बता सकते हो आपने कम्युनिटी के काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया है, तो कैसे आप मोटिवेट करते हो वो बताइए। सर, इन माय कम्युनिटी देयर आर सो मेनी पीपल, सो वो लोग क्या है कि मतलब उन लोग को पता नहीं है कि सर एजुकेशन में मतलब क्या उन लोग का इम्पोर्टेंस है, क्या है उन लोग इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सर वो लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब कॉलेज स्कूल जा रहे बट नहीं छोड़ दे रहे लोग, कि वो लोग अभी मतलब वो लोग को अभी पता नहीं चल रहा है कि मतलब वो लोग अभी पता नहीं चल रहा है कि मतलब इम्पोर्टेंट एजुकेशन का अभी क्या इम्पोर्टेंट है। न्यू जनरेशन क्या है, बहुत कंपटीशन आगे बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, तो उन लोगों को अभी तक इम्पोर्टेंट पता नहीं चला। तो मैं उन लोगों को यही मोटिवेट देना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर चेंजिंग योर एक्सपीरियंस, फॉर कम्युनिकेट टू ईच अदर पर्सन एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट कंट्री। व्हाट डू यू एस्पायर फॉर दीज चिल्ड्रन कम्युनिटी में, आप क्या क्या चेंज देखना चाहते हो? सर, मैं तो कम्युनिटी में चेंज ये देखना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से बच्चे ये लोग खेलना भी नहीं आता था, बट लेकिन जो ऑस्कर्स है वो लोग खेलने के लिए इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और इधर से बहुत सारे बच्चे लोग हैं कि वो लोग मोटिवेट हुए और आगे भी खेल रहे। और मैं उन लोग आगे देखना चाहता हूँ कि वो लोग पढ़े भी और उसके साथ साथ खेले भी। अच्छा, तो अभी आप ये बताइए कि रशिया में जाके आप व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू रशिया? आई एम सो एक्साइटेड फॉर गोइंग टू रशिया बाय प्लेन। It is first time to journey by plane and out of country। जब मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर रशिया दिखता कैसा है, वहाँ पर मतलब वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, वहाँ के टॉकिंग लाइक फीफा ने कैसे 48 कंट्रीज के पीपल अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं, और वो लोग सब उन लोग से बातचीत करना, उन लोग से नई नई चीज़ें सीखना, और सब उधर जो मिनी वर्ल्ड कप होने वाला है आई थिंक, मैंने सुना है जो मैं सलो बोलने की बताया था मुझे, उससे मुझे देखने में अच्छा लगता है और कुछ नई नई बातें सीखने की मिलेगी जरूर वहाँ पर। Great. All right. Thank you, Lalu. Thank you so much for speaking to us. Thank you. There we have Shraddha and hello, Shraddha. Hey, hello. Shraddha is a young leader at Oscar Foundation, and you can tell us more about it. Well. Okay. So I'm traveling to Russia, but before that I'll be traveling to Qatar, Doha. Because I'm going as a Generation Amazing ambassador. Now, Generation Amazing is a platform wherein people from different countries come up together at a place, and we have a lot of workshops that like community development workshops. So this project basically, you know, in this project, like from overall the globe. There are many people coming around, and from India there are 8 people going, and I'm one of them, so I am feeling really very proud about it. Great.
Shraddha, can you tell us about your project in Thane? We heard that you teach a lot of children in Thane. Tell us about what you teach and about this community where you coach. Okay, so what I teach, I would say there are many things that Oscar, you know, tries to imbibe within children. So we work on life skills and also on football. So we deliver message through football, and we promote, like, we, you know, encourage them to, you know, complete their education and also play sports. So yeah, so in Thane I teach about 74 kids I have, and every Saturday Sunday I have sessions. So I am, like, I love it because that is something I feel that I'm doing different, and I also want others to join me in this. So yeah. Can you tell us a little bit about the community there? So the community, you know, the parents are very supportive, but only for the boys and not for the girls. I think they should be more supportive towards the girls as well. Okay, so is this something that you want to change? Or... Yes, yes, absolutely. Because I feel like I'm a girl and I'm traveling to Russia. I, you know, keeping dreams is really important. I had dreamt it that I want to travel. I want to, you know, make my parents proud, make myself proud. So representing India at this level, so this is something amazing. This is the best opportunity of my life, and I feel that girls can do more. If I can do, I feel all the girls can do. All right, so girls, stand up for yourself. That's Shraddha's message. And Shraddha, tell us, how excited are you to go to Russia? What is it that you're looking forward to? Okay, I am really very, very excited for Russia. Looking forward to meet many people from different countries, knowing their cultures. I hope I find players. I got autographs from there. Because there are many people asking for autographs, like, hey, you're going, right? So just get me this one's autograph and all. So let's see. Alrighty. Okay. Alright. That's pretty much. I hope that all their young leaders' responses help you understand why they are going and what they'll be doing and their work here at Oscar in Mumbai. So signing off for now, thank you for joining us, and see you soon. Thank you so much. Thanks,